देखिए हम लोग पढ़ रहे थे क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर लेग्रांजेस मेथड। ठीक है, तो ये हम क्वेश्चन लिए हुए हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देख सकते हैं कि ये टर्म्स हमारे हैं और पी है, फिर ये टर्म्स, फिर क्यू है और ये टर्म्स है। मीन्स क्या कि ये हमारे लेग्रांजेस मेथड को सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे लेग्रांजेस इक्वेशन होता है ना किस तरीके से पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर की फॉर्मेशन में होनी चाहिए। तो पी के जगह पे देखिए स्मॉल पी यहाँ पे है ना, और पी के जगह पे ये टर्म्स है, और स्मॉल क्यू देखिए यहाँ पे क्यू के जगह पे ये टर्म्स है, और आर वाले टर्म्स हमारे ये हो गए। तो लेग्रांजेस से हम सॉल्व करके दिखाए हुए थे किस टाइप से सॉल्व किया जाता है लेग्रांजेस इक्वेशन से। ठीक है, इसका लेक्चर 1 हो चुका है। ठीक है, उसमें बेसिक हुआ था, बेसिक सारा चीज बता चुके हैं, इसके रूल रेगुलेशन क्या क्या होते हैं, और सारे डिफिनेशन लिखवा चुके हैं जो कि एग्जाम में आते हैं 2-2 मार्क्स में। सारा डिफिनेशन हो चुका है, इसके बेसिक्स हो चुके हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन भी हम सॉल्व करके दिखाए हुए थे कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है कि इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन अगर आप लोग बेसिक क्लासेस नहीं देखे हैं तो प्लीज बेसिक क्लासेस देखिए। ठीक, रही बात मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। ठीक, तो देखिए लेग्रांजेस में क्या होता है कि एक हम रफली बता दे रहे हैं, आइडिया क्या है कि लेग्रांजेस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी होती है क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। सेकेंड में इंटीग्रल्स निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन से ही इंटीग्रल्स हमारे आते हैं। जैसे 3 रेशियो में आएंगे, ठीक है, तो जैसे हमारा है पी क्यू आर, तो ये हमारे रेशियो में आएंगे, तो उसी से हमारा क्या निकलेगा, इंटीग्रल्स निकलेंगे, इंटीग्रल्स निकालेंगे। देन थर्ड में क्या होता है, फाइनली जो इंटीग्रल्स निकलेगा ना, तो वो हमारा होता है एफ ऑफ ए बी लिखिए, या फिर ए की जो वैल्यू आई है, बी की जो वैल्यू आई है, वही हमारा आंसर होता है। ठीक, तो बस इतना इजी है लेग्रांजेस मेथड से सॉल्व करने क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहा होगा है ना, बट इजी है। ठीक है, चलिए सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा ये। ओके, देखिए इसके सॉल्यूशन में लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या दिया हुआ, तो ये हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनर के पास क्या रहेगा, एग्जामिनर के पास क्या रहेगा, क्वेश्चंस रहेंगे लेकिन साइड में रहेंगे, आपके कॉपी ही ना चेक करेंगे, तो कॉपी चेक करेंगे तो उसमें अगर आप लिख देंगे ना, तो ज्यादा बेटर होगा कि क्वेश्चन हमारा क्या था। तो क्वेश्चन क्वेश्चन ही लिख रहे हैं लेकिन आंसर में क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए और तरीका देखिए इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक, यही हमारा था, क्वेश्चन ही था ये हमारा, था ना। देन इसके बाद क्या करेंगे, तो ये देख रहे हैं कि इट इज द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में है, तो पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर के ये फॉर्मेशन में है। ठीक है, और ये हमारे क्या है, लेग्रांजेस इक्वेशन, लेग्रांजेस इक्वेशन है। ठीक है, हमारा लेग्रांजेस इक्वेशन हो गया, दे फोर द ऑक्सिलरी ऑक्सिलरी इक्वेशन आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होते हैं, तो 1/2 में आता है, वो हमारा होता है देखिए, जैसे कि हमारा होता है क्या, डी एक्स अपॉन में हमारा होता है पी, दिस इज इक्वल टू डी वाई अपॉन में होता है क्यू, दिस इज इक्वल टू डी एक्स वाई, और ये हमारा जेड हो गया, जो अपॉन में क्या होगा, हमारा आर होगा। तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट आउट होंगे, तो डी एक्स अपॉन में क्या हो, पी, पी की वैल्यू हमारी ये है, क्या है, एम जेड माइनस एन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन में क्या है हमारा, तो एन एक्स माइनस एल जेड, फिर क्या है, डी जेड, जो कि हमारी क्या है, तो एल वाई माइनस एम एक्स, ये है हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे इक्वेशन 2 कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 2 हो गई। देन अब क्या करनी है, एक जैसे रेशियो लेनी है, ये हमारी रेशियो टर्म्स में ही हो गई ना, ये दोनों को अगर ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड रेशियो को लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पे सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। अगर रेशियो ले लेते हैं तो सॉल्व होने की पॉसिबिलिटीज नहीं है। इससे पहले हम दिखाए थे रेशियो लेके कि सॉल्व किस तरीके से किया जाता है, ठीक है, वो भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो उसको भी दिखाएंगे, बट यहाँ पे देख रहे हैं कि एम जेड एन वाई एन जेड एल जेड इस तरीके से है, तो किस तरीके से क्रॉस अगर मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो भी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि x और z वाले वेरिएबल इसके साथ आ जाएंगे, z और y वाले वेरिएबल इसके साथ y के साथ आ जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है।
इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पे लेते हैं मल्टीप्लायर्स लेते हैं, ठीक है, नाउ टेकिंग मल्टीप्लायर्स, ओके, तो यहाँ पे लिखिए लेट अस टेक द मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर्स मल्टीप्लायर्स वो भी कौन कौन से, तो एक्स वाई और जेड मल्टीप्लायर्स, ठीक है, वी गेट, देखिए एक्स वाई जेड मल्टीप्लायर लेंगे, मीन्स क्या होगा कि एक्स जो है वो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे में भी मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ पे कर क्या करेंगे, वाई मल्टीप्लाई फिर नीचे मल्टीप्लाई, यहाँ पे जेड फिर नीचे जेड मल्टीप्लाई करनी होगी और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करके देन ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पे लिखिए, देखिए थोड़ा सा समझना होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझेंगे ना तो पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक, देखिए क्या करनी, एक्स वाई जेड को मल्टीप्लाई करनी, बारी बारी से करनी, ठीक है, तो एक्स इसके साथ करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, एक्स और डी एक्स हो जाएगा, होगा ना, फिर प्लस भी करनी, वाई इसके साथ होगी, प्लस वाई और डी वाई, फिर प्लस इसके साथ क्या करनी है, तो जेड करनी है ना, जेड डी जेड, जेड डी जेड, और नीचे भी तो होगा, नीचे भी होगा ना मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है, तो क्या होगा ये टर्म्स हमारे, तो नीचे यहाँ पे जो होंगे तो वो देखिए यहाँ पे x मल्टीप्लाई करनी है, तो x मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, एम जेड माइनस एन वाई के साथ, प्लस यहाँ पे y होगा मल्टीप्लाई एन एक्स माइनस एल जेड के साथ, प्लस यहाँ पे क्या होगा, z मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, एल वाई माइनस एम एक्स के साथ, देख सकते हैं, ठीक है, जैसे ही इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे ना, ये टर्म सारे जो डिनोमिनेटर में वो हमारे जीरो हो जाएंगे, एक्चुअली में हमें ऐसा ही चाहिए, नीचे ऊपर नहीं दिख रहा है क्या, देखिए थोड़ा सा नीचे हो गया ना, देखिए हाँ ये क्या है कि इसी टाइप से हमें लेनी होगी मल्टीप्लायर्स के डिनोमिनेटर जो हो ना वो हमारा जीरो टर्म्स में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, इस टाइप के ही मल्टीप्लाई हम लोग लेते हैं, ठीक, तो वहाँ पे एक्स वाई जेड की मल्टीप्लाई ले लिए ना, तो नीचे टर्म्स अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिएगा ये टर्म्स हमारे कम्प्लीटली जीरो हो जाएंगे, तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे पता है, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर जो होगा ये हमारा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आप खोल के देख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर हमारा जीरो हो जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, यहाँ पे जेड और डी जेड लिखा हुआ है, यहाँ पे रुकिए हम अच्छे से लिख देते हैं नीचे ही, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन इक्वल में ही लिखिएगा, ठीक है, इक्वल करके ही लिखना है, आगे एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, और डिनोमिनेटर में क्या हमारा जीरो डिनोमिनेटर में, ठीक, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा कि ये टर्म्स दिस इक्वल टू जीरो, ये जीरो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या होगा हमारा, ये टर्म्स पूरे कम्प्लीटली जीरो हो जाएंगे और ओनली फॉर बचेगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, तो देखिए ये टर्म्स पूरा कम्प्लीटली जीरो, दिस इज जीरो इक्वल टू हो जाएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड बचेगा, ठीक, देन इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ये जो टर्म्स आए ना इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेशन से क्या होगा हमारा पता है ना, इंटीग्रेशन से क्या होगा, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाई टू, वाई की इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, फिर जेड की इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाई टू, तो लिखेंगे यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट हमें क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई टू प्लस यहाँ पे जेड स्क्वायर बाई टू, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे क्या होंगे, तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हम कांस्टेंट टर्म लेते हैं, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म हम ए ले सकते हैं, फर्स्ट में ए ले सकते हैं, अब ए ले लिए तो इसका जो फॉर्मेशन होगा, जैसे कि इस फॉर्मेशन में हमारे आ रहे हैं ना, तो इसी फॉर्मेशन में हम कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर वाई में यहाँ पे टू, इस फॉर्मेशन में हम ले सकते हैं, इजीली ले सकते हैं, अगर लॉग में आए ना तो लॉग ही ले सकते हैं, जैसे लॉग ए ले सकते हैं, ठीक है, तो हमेशा कांस्टेंट टर्म हम आर एच एस में लेते हैं, ठीक है, आर एच एस साइड में, ठीक, देन तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ए की वैल्यू निकाल लें या फिर ए स्क्वायर की वैल्यू रहने देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सारे के डिनोमिनेटर में टू 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 है, तो टू 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 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और यहाँ पे सिंपल बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसे इक्वेशन थ्री कंसिडर कर लीजिए,
नाउ अब देखिए, तो एक इंटीग्रल निकला, यही हमारा इंटीग्रल कहलाता है, ठीक है। तो यही हमारा इंटीग्रल निकला ना। अब क्या करेंगे कि दो इंटीग्रल हमें निकालनी होगी इसकी, ठीक है, एफ ऑफ ए बी। तो देखिए, ए की वैल्यू मीन्स ये वाले टर्म्स की पूरा कंप्लीटली वैल्यू आई, ठीक है। एंड देन अब हमें क्या निकालनी होगी, तो सेकेंड इंटीग्रल निकालनी होगी, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रल को क्या करेंगे, तो जो हमारा आया था ऑक्सिलरी इक्वेशन आया था, तो उसमें हम क्या मल्टीप्लाई करवा दें, ये डिनोमिनेटर वाले जो टर्म्स, ये टर्म्स जो होंगे ना, वो हमारे जीरो हो जाएंगे। तो देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में यहाँ पर देखिए एक्स वाई और जेड वाले टर्म्स थे, ओनली फॉर ये डिनोमिनेटर में था ना, ये और ये था। तो इसमें देखिए हमारा वाई था, ठीक है, इसमें हमारा एक्स था, इसमें हमारा इसमें भी देखिए इसमें जेड भी था, ठीक है, वाई और जेड भी था, इसमें एक्स और जेड था, वाई और एक्स था, मीन्स एक्स वाई जेड वाले टर्म्स थे, ठीक। इसके अलावा कौन सी टर्म्स हैं, तो देख रहे हैं एम है, फिर एन है, फिर देखिए एन एल है, फिर एल एम है, मीन्स एम एल एम एन है ना, तीनों टर्म्स है ना, एल एम और एन भी है तीनों टर्म्स। अब हम क्या करते हैं कि एल एम एन से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो देखिएगा डिनोमिनेटर में यहाँ पर नीचे जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई बस समझ में कि क्या हमें मल्टीप्लायर्स लेनी पड़ती है, यहीं से डिनोमेटर को ही देख के ही पता चल जाएगा कि हमें मल्टीप्लायर्स क्या लेनी पड़ेगी, फिर इंटीग्रल हमारा निकल जाएगा। नाउ अब हम लिखते हैं क्या, नाउ लेट अस यूज एल एम एन एज अ मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पे, नाउ लेट अस चूज क्या एल एम एन कैसे एज मल्टीप्लायर्स, मल्टीप्लायर्स वी गेट लिखे डायरेक्ट, मल्टीप्लायर्स वी गेट देन वी गेट या फिर वी गेट कॉमा यदि, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए एल मल्टीप्लाई होगा डी एक्स के साथ, एम मल्टीप्लाई होगा डी वाई के साथ, इसी तरीके से होगा ना, जैसे हमारा एक्स वाई जेड हो रहा था उसी तरीके से एल एम एन वाले भी टर्म्स होंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा फॉर्मेशन दिया हुआ था, छोड़िए, एल मल्टीप्लाई करवा दे, किसके साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, तो एल डी एक्स के साथ होगा, होगा ना, एल डी एक्स और बाई में यहाँ पे एल क्या था हमारा, तो एम जेड माइनस यहाँ पे एन वाई ये टर्म था, प्लस करते हैं, सारा प्लस करेंगे ना, एल एम मल्टीप्लाई करवा रहे डी वाई के साथ, यहाँ पे प्लस होगा, एम मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे क्या था एन एक्स माइनस एल जेड था, प्लस यहाँ पे एल एम एन हो गया डी जेड, तो इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, एन होगा, और जो कि हमारे टर्म्स थे एल वाई माइनस एम एक्स ये टर्म्स थे, ठीक है, ये टर्म्स हो गया ना। अब देखिए इसको जैसे ही हम अगर मल्टीप्लाई करें, इसको बाहर करें, ठीक है, ब्रैकेट से जैसे जैसे बाहर करते जाएंगे, तो पता चलेगा हम लोग को कि ये टर्म्स हमारे कम्प्लीटली जीरो हो जा रहे हैं, मीन्स बोल सकते हैं कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड, इधर दिख रहा है क्या, एन डी जेड, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये टर्म्स पूरा कम्प्लीटली जीरो। तो दैट इज हम बोल सकते हैं क्या कि एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इक्वल टू जीरो। देन ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हमें इसे भी इंटीग्रेशन करना होगा, देन फाइनल हमारे पास वैल्यूज आएंगे जो कि हमारा इंटीग्रल आएगा, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, देखिए इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका, ये हमारा इक्वेशन थ्री हो गया था, इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट इजीली कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है ना, कॉन्स्टेंट टर्म है एल एम एन, ये तुम्हारे कॉन्स्टेंट टर्म है, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्स वाई जेड वाले वेरिएबल्स होते हैं, तो यहाँ पे डी एक्स के रिस्पेक्ट में करें तो कॉन्स्टेंट टर्म के इंटीग्रेशन करते हैं, तो एल एक्स हो जाएगा ना, एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन, मीन्स क्या कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, उसके साथ उसके वेरिएबल आते हैं जो कि हमारा एक्स के टर्म्स में कर रहे हैं, तो एक्स वेरिएबल आ जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एम वाई हो जाएगा प्लस यहाँ पे एन जेड हो जाएगा, और यहाँ के क्या ले सकते हैं, यहाँ पे तो हम बी ले सकते हैं ना, इजीली बी ले सकते हैं, दिस इज बी, तो इसे इक्वेशन फोर कंसीडर कर लीजिए, तो इक्वेशन थ्री एंड इक्वेशन फोर, तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, इंटीग्रल पार्ट हो गए, है ना। इसे नाउ फ्रॉम, लिखिए इक्वेशन फोर तो कंसीडर कर लिए, नाउ फ्रॉम द इंटीग्रल्स, इंटीग्रल्स कौन कौन से, तो इक्वेशन थ्री एंड फोर, ठीक है, इक्वेशन थ्री एंड फोर से द सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांजेस इक्वेशन क्या होगा, ठीक।
इसे हम इरेज करते हैं। देखिए इजी है, ठीक है, बस थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, बाकी बहुत इजी। इसी टाइप से क्वेश्चंस अब और सारे बनेंगे, ठीक है। फॉर द सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लैग्रांजेस लैग्रांजेस इक्वेशन इज, क्या होगा? तो होगा हमारा एफ ऑफ ए बी होगा, दिस इज इक्वल टू जीरो, यहाँ तो छोड़ सकता है, या इसके टर्म्स में हमें लिखना, दैट इज बोल सकते हैं कि एफ हमें क्या निकाले, ए का वैल्यू, मीन्स ए स्क्वायर को हम लोग ए भी बोल सकते हैं उसे, क्योंकि हम लोग खुद से वो माने हुए थे, है ना, ए स्क्वायर इक्वल टू टू, इसे दिखाने के लिए, क्योंकि वही पैटर्न चल रहा था इसलिए पैटर्न में दिखाने के लिए, बट ए की वहाँ पे वो रूट अंडर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोग खुद से माने ना, ए बाई टू भी लिख सकते थे वहाँ पे, ठीक, तो वहाँ पे ए स्क्वायर बाई टू लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो उसकी वैल्यूज थी इक्वेशन थ्री से वो क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर थी ना, और यहाँ पे बी की जो वैल्यू आई है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, दिस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द आंसर, इसे आंसर लिख दीजिएगा, ठीक, आया बस समझ में लैग्रांजेस इक्वेशन किस तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। तो बहुत हम एक्सप्लेन करके बताए हैं कि किस तरीके से निकाला जाता है, अगर समझ में आया ना तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और जहाँ नहीं समझ में आया वो भी कमेंट कीजिएगा किस यहाँ पे मैम समझ में नहीं आया, ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।